मजदूरों की दुर्दशा इसलिए हुई कि परंपरागत रूप से उन्हें व्यवसाय करने का अधिकार नहीं था, उनके पास भूमि नहीं थी, ज्यादातर खेतियर मजदूर थे, इसलिए जमींदारों और सामंतों के खेतों पर न्यूनतम वेतन पर उनको काम करना पड़ता रहा है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज एक खास मुद्दा पर चर्चा करने जा रहा हूं और इस खास मुलाकात में हमारे साथ दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर मौजूद हैं, वीर सिंह हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और लगातार कई कार्यक्रमों में आप इनको देखते होंगे। इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं लैंड सीलिंग एक्ट 1972 की। आजादी के बाद कमोबेश ये प्रयास किया गया कि आरक्षण के द्वारा दलितों के अधिकार सुरक्षित किए जाएं, स्कूल कॉलेज भेजे जाएं। भूमि का सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था और इसलिए 1972 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने एक हरियाणा लैंड सीलिंग एक्ट पास किया था जिसके तहत न्यूनतम दाम पर शेड्यूल कास्ट को जमीन वितरण किया जाना था। आज 50 वर्ष हो गए उस घोषणा के। 50 वर्षों में स्थितियां कैसी हुई हैं, क्या बदली हैं, जमीन मिला कि नहीं मिला, सरकारों का रवैया कैसा है, ब्यूरोक्रेट का रवैया कैसा है और हमारे प्रधानमंत्री जी का रवैया कैसा है, तमाम सब बातों को जानेंगे और ये समझने की हम कोशिश करेंगे वीर सिंह साहब से, क्योंकि लगातार इस मुद्दे को लेकर इनके पिताजी को भी जमीन अलॉट हुआ था। इस मुद्दे को लेकर अधिकारी से लेकर सीएम पीएम हर जगह आरटीआई तमाम ये सब काम कर चुके हैं। पहले ये समझेंगे कि क्या एक्ट था और क्या प्रावधान थे और अभी क्या स्थिति है। स्वागत है वीर सिंह साहब अंबेडकर नामा में। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या है मामला, समझाइए, आप इसमें पूरा रिसर्च कर चुके हैं। रिसर्च कर चुके हैं। ये जो है हरियाणा लैंड एंड सीलिंग एक्ट 1972 बना और इसको इम्प्लीमेंट किया 77 में। 77, ठीक। मेरे फादर को 27 कनाल 11 मरले जमीन अलॉट है। कहाँ पे? गांव में ही। अच्छा। गांव मेरा रोहतक है, रोहतक के पास है, घड़ाउठी रोहतक। तो उस समय किसी भी कारणवश मेरे फादर पैसे नहीं भर पाए। जैसे ही आरटीआई एक्ट आया तो मैंने इसका पीछा करना शुरू किया, आरटीआई लगाई मैंने, तो बताया कि भाई ये जमीन हमें मिली थी मेरे फादर को, अब इसका क्या स्टेटस है। उस समय 9000 कुछ पैसे भरने थे उसके। 9000 कुछ थे 77 में। हाँ, 77 में। अच्छा। और 10 किस्तों में भरने थे, सभी का यही था। तो वो जो एक्ट आया था, पहले ये समझाइए उसमें क्या था कि जमीन दी जाएगी, कितनी जमीन दी जाएगी, किस मूल्य पर दी जाएगी। हाँ, उसका नहरी का कुछ अलग वैल्यू थी, वो बरानी बोलते जिसमें पानी नहीं रहता उसके अलग थी। तो जमीन काफी थी लोगों के पास, उसी में से एक्वायर करके और उसमें से काफी लोगों को जो ना लैंड अलॉट हुई है, ठीक। लेकिन फिजिकली कब्जा किसी को नहीं मिला। मैं पूरा पेमेंट कर चुका हूँ 2015 में, 2008 से मैं लगातार इस पर लिख रहा हूँ, सीएम, तमाम संबंधित अधिकारी और थ्रो पीएमओ के भी जो है एक चिट्ठी चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को भिजवा रही थी 2019 में, बट कहीं से कोई भी उम्मीद नहीं है। क्या कह रहे हैं वो, क्या रहे हैं? थाने में भी गया, थाने वाले भी केस दर्ज नहीं करते, जबकि एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3 का क्लॉज F4G में केस बनता है उन लोगों के खिलाफ, लेकिन नहीं कर रहा कोई केस दर्ज। तो ये जमीन कहाँ पे है अलॉट था, ये आइडिया आपको है? हाँ, है गाँव में। किसके कब्जे में है? वहम के नाम दे रखे हैं। अभी कब्जा किसका है? नहीं कहा है, जो पहले थे वो भूमाफिया का ही है। उन्हीं से एक्वायर किया गया, उन्हीं से एक्वायर किया गया था और वो उनका इंतकाल भी हरियाणा गवर्नमेंट के नाम चढ़ चुका है। इतना काम मैं करा चुका हूँ, 36.5 एकड़ का वो मालिक नहीं है, हरियाणा गवर्नमेंट के नाम इंतकाल है। अच्छा, गवर्नमेंट के पास अब स्वामित्व है। हाँ, कागजों का स्वामित्व गवर्नमेंट है, लेकिन वो लोग उसको यूज वही कर रहे हैं। तो आपने कैसे लड़ाई लड़ी? सर, चिट्ठी लिखता रहा, बस पार्टी लगाता रहा। कहाँ पे चिट्ठी लिखा आपने, किस किस को लिखा, कहाँ आरटीआई लगाया? पहले तो रोहतक सूचना अधिकारी से मांगी थी सूचना, उन्होंने बता दिया कि भाई आज जो ना 32,577 रुपए बनते हैं, जो आप भर दो, एसडीओ सिविल जो ना इसको इजाजत देगा। मैंने एसडीओ सिविल को जो ना एप्लीकेशन मूव की, उन्होंने इजाजत नहीं दी। पैसे आपने भर दिए? हाँ, पैसे मैंने 15 में भर चुका हूँ, मई 2015 में 32,577 जो आरटीआई में बताए थे पूरा पेमेंट कर चुका हूँ।
तो एसडीओ ने इजाजत नहीं दी, फिर आपने क्या किया? डीसी साहब को लिखा, सीएम को लिखा, सीएम साहब से वहां से जवाब आया कि हम अपने पैसे वापस ले लो और हम आपको नाम को रोटी कर चढ़ा नहीं सकते, कागजों मजबूरी हमारी। देखिए चुनाव के समय सब कहते हैं कि हम सब कमजोर दलितों के लिए हम लड़ेंगे, अधिकार देंगे। इनके पिताजी के नाम पर वो जमीन है और सीएम साहब के यहाँ से चिट्ठी आई कि मजबूर है अपने पैसे वापस ले लो, मजबूर है पैसे वापस ले लो। ये भी एक बड़ी लड़ाई है, भूमि के संपत्ति के स्वामित्व की लड़ाई है। उसके बाद आपने जब सीएम से बात की, उसके बाद क्या किया आपने? मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, उनके कार्यालय से फिर चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी गई है कि अब तो शायद कोई न्याय मिलेगा, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं। उसके बाद आपने कुछ कार्रवाई नहीं की, कोर्ट मूव किया आपने? कोर्ट से बस इतना ही काम करा पाया हूँ कि वो मालिक नहीं है कागजों में। ठीक है, इतना काम तो करा पाया। कहाँ है मेरे पास? अच्छा, कौन से कोर्ट का? वही मंडल कमीशन का, रोहतक का। अच्छा, रोहतक का। तो उसको हाई कोर्ट में आपने फिर चुनौती दी, ये केस ले गए हाई कोर्ट? तो नहीं गया सर। ये है मामला। और क्या इसके बाद डिटेल्स है, आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही है कि मैं प्रधानमंत्री जी हमारे ये कहते हैं ना, आखिरी आदमी तक उनकी नजर है, उनके थ्रू चिट्ठी गई तो उसकी अपनी चिट्ठी का ही वैल्यू देख ले कौन कितना। अभी तक 1977 में ये शुरू हुआ ये मॉडल जमीन वितरण का, तो कुछ लोगों को अभी मिला कि नहीं? किसी को भी नहीं मिला फिजिकल में। कितने लोगों को अलॉट हुआ होगा? वहाँ मेरे गांव में करीब 70-75 लोगों को अलॉट है। पूरे हरियाणा में? पूरे हरियाणा में तो लाखों लोगों को होगा, करोड़ों लोगों को होगा। पूरे गांव में हरियाणा में दलितों को सरकार ने उस समय लैंड एक्वायर करके इनके बीच डिस्ट्रीब्यूट किया था और शर्त ये थी कि 10 किस्तों में आप जो न्यूनतम मूल्य है जमा करेंगे। उस समय भी 10,000 रुपए बहुत थे 77 में, और उतना पैसा इकट्ठा करना आम लोगों की बात उस समय नहीं थी। लेकिन वीर सिंह साहब ने रिटायरमेंट के बाद ना, नहीं मैं नौकरी में 2008 से लग रहा हूँ पीछे, 8 से ही लगातार 14 साल संबंधित अधिकारी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबको लगातार लिखते रहे। वहाँ पे अगर लोग सामूहिक रूप से आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं है, आंदोलन डरे हुए इतने हैं, वो निकलता ही नहीं कोई। अगर पूरे हरियाणा में अगर लाखों लोग अगर आंदोलन करे तो हो जाता काम अब तो। सब लोग अगर इकट्ठा हो और अपने हक के लिए संवैधानिक तरीके से आंदोलन करें तो ये तो बड़ा मुद्दा बन सकता है, बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकारें कितनी आई हैं, जो है पहले देवीलाल साहब की थी, उनके 140 किले गए हुए हैं, वो कैसे इम्प्लीमेंट करने देंगे? फिर उनके बेटे आ गए, फिर हुड्डा जी आ गए, तो वो सारे जमीन तो उन्हीं लोगों की है, नहीं देने देंगे। नहीं तो इसमें लोग जिनको मिला है वो सड़क पे आने के लिए तैयार नहीं, संघर्ष करने के लिए तैयार। इतना काम मैं कर चुका, इतना किसी ने भी नहीं किया। तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, लोगों को जोड़िए हरियाणा से पूरा। किसानों ने लड़ाई लड़ी, SC ST एक्ट में लड़ाई लड़ी गई, रोस्टर का लड़ाई लड़ी गई, तो उसमें तो लोगों को जीत हासिल हुई ना। तो चूंकि उसका जब लैंड एक्वायर किया गया होगा तो जिस समय जो मालिक रहा होगा उसको तो उसका मुआवजा मिल गया होगा। हाँ बिल्कुल, तो स्वामित्व तो उसका रहा नहीं, सरकार का स्वामित्व तो नाजायज कास्ट कर रहे हैं, गैर कानूनी तौर से कब्जा है। तो सरकार अगर चाहे, अगर पॉलिटिकल विल पावर हो, हाँ, तो एक मिनट खाली हो जाए, तो इस पे कुछ आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं? मैं अपने लेवल पर सर जितना कर सका था मैं कर चुका हूँ। तो लोगों को ये वीडियो गांव-गांव पहुंचाएंगे, इसीलिए आपके मंच के लिए आए हैं, ताकि अम्बेडकर नामा के माध्यम से हम सबसे गुजारिश करते हैं वो सारे आंदोलन के लिए तैयार हो और आप अपनी बात को आवाज उठाएं। ये बड़े हक की लड़ाई है और इस पर जो विधानसभा चुनाव कब होना है? विधानसभा चुनाव सर ये तो आइडिया नहीं। अच्छा, लोकसभा 24 में होना है? 24 में, बड़े मुद्दा। तो ये सवाल है कि आपके नाम जमीन अलॉटेड है, आपके पास पैसे अब देने के लिए भी है, लेकिन जमीन का मालिकाना हक आपको नहीं मिलेगा। ये बड़ा मुद्दा है, ये हरियाणा की बात मैं कह रहा हूँ, पंजाब में भी यही स्टेट वाइज हुआ था, सब जगह, कई जगह, कई राज्यों में व्यवस्था होगी। ये सर जो है ना, संविधान की 9वीं शेड्यूल में डाला हुआ है ये, अमेंडमेंट करके उसके बाद एक्शन नहीं। तो आप देखिए, जब तक सड़क पर नहीं आएंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी को आप मजबूर नहीं करेंगे, तब तक अधिकार और सम्मान तो फ्री का मिलता नहीं। तो चलिए, ये पूरा वीडियो देखिए और समझिए, और आप इस वीडियो को गांव-गांव पहुंचाइए कि जो इनके लाभार्थी हैं, डरने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको अपने हक और हकूक के लिए लगातार संघर्ष करता रहना पड़ेगा। और कुछ कहना चाहेंगे? मेहरबानी सर, इसको आपने समय दिया और चलिए शुक्रिया। आप पूरा वीडियो देखिए और शेयर करिए, और इस तरह की छोटे छोटे अधिकार जो संविधान ने आपको दिए हैं, शायद आपको पता ना हो, जिन दोस्तों के पास इस तरह की सूचना हो
कि आपको अधिकार मिले हैं लेकिन वो लागू नहीं हो रहे हैं, आप अम्बेडकर नामा से संपर्क कीजिए, आपके मुद्दे को इस कार्यक्रम में, इस तरह के कार्यक्रम में उठाया जाएगा, इसको मुद्दा बनाया जाएगा, जो आपके संवैधानिक अधिकार है वो आपको मिलना चाहिए। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा। आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले एपिसोड में। शुक्रिया, जय भीम। धन्यवाद, जय भीम।